Hello dear student, welcome to our channel. My name is Sanjay Patel. मैं MBBS का student हूँ. मैंने ये channel basically physics के लिए बनाया है. NEET की preparation करने वाले students की major problem physics में ही होती है. मैंने preparation के दौरान कई सारी tricks बनाई और सीखी थी जो कि आपके काम आ सकती हैं. NEET 2019 में मेरे physics में 41 question correct थे, जो कि आपके भी हो सकते हैं या आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं. देखिए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व तो करना ही है, लेकिन विद इन ए टाइम लिमिट. इसके लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए. तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्पीड बढ़ानी है. इस चैनल पर मैं उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन कवर करूंगा जो कि नीट में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं. अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है नीट एग्जाम देने के लिए, लेकिन इतना टाइम अब भी है कि फिजिक्स अच्छे से प्रिपेयर की जा सकती है. देखिए, किसी को पढ़ाना एक कठिन काम है, लेकिन उससे भी कठिन काम है पढ़ना और पढ़कर फिर याद रखना. तो एक कठिन काम मैं करूँगा और दूसरा आपको करना है. फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी कितना भी पढ़ लो, कितना भी रट्टा मार लो, कितने फार्मूले रट लो, अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है तो आप एग्जाम में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे. तो मैं इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा, उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन जो कि नीट में पूछे गए हैं. कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि क्वेश्चन घर पे तो हो जाते हैं लेकिन टेस्ट में गलत हो जाते हैं, या एग्ज़ाम देते हैं तो उस टाइम गलत हो जाते हैं, या हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन. तो ये सारी प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट की. आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. तो ये सारी बातें मैं बताऊँगा कि कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, कैसे आप ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं कम टाइम में, लॉन्ग क्वेश्चन करने की ट्रिक्स भी बताऊँगा. तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके. थैंक यू सो मच.